कल हुए असमय बरसात के कारण विदर्भ के किसानों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, जिसके विषय में प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार गुट के नेता पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि राज्य में किसानों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, जिसके चलते अब सरकार ने किसानों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन किसानों को उचित भाव नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार से हमने 13,000 तक कपास को भाव दिया था, लेकिन इस सरकार में वह घटकर 6.5 तक कर दिया है, ऐसा भी वह बोले। पहले तो महाराष्ट्र का किसान आज बहुत परेशान है। महाराष्ट्र में हमारे जो कपास को जो दाम मिलना चाहिए वो सरकार दे दे रही, महाराष्ट्र में हमारे सोयाबीन को जो दाम किसान को मिलना चाहिए वो सरकार दे दे रही, महाराष्ट्र में जो हमारे प्याज होता है उसको दाम नहीं मिल रहे, महाराष्ट्र में संतरा और मौसमी बड़ी तादाद में काफी जिलों में होती है उनको दाम नहीं दे रहे करके आज पूरे किसान महाराष्ट्र में बहुत परेशान है। खास करके कपास के बारे में बताना चाहूंगा कि कपास के दाम जो जब हमारी सरकार थी उस टाइम करीबन 13,500 तक दाम गए थे, आज 6,500 तक दाम आए, तो इसके लिए सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और कपास को अच्छे दाम मिलने के लिए जल्द से जल्द कापूस खरीदी करने वाले कपास खरीदी करने वाले केंद्र चालू करना चाहिए। उसी प्रकार जो नागपुर जिले में भंडारा जिले में जो ओले गिरे जो अतिवृष्टि हुई वहां पे भी जल्द से जल्द पंचनामे करके सरकार ने उसको भी मदद करने का काम करना चाहिए। राज्य शासन इस प्रकार से किसानों के माल को दाम नहीं देंगी या किसानों को मदद नहीं करेंगी तो जो हिसाब से आत्महत्या हो रही है उससे काफी आत्महत्या बढ़ सकती है करके इसके लिए किसान ने अब इसलिए सरकार ने किसान के ऊपर किसानों की जो परेशानी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।